बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी वीवर्स, खुश आमदीद। आज इंतहाई अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ सेहत ने अभी अनाउंस किया है कि ओमान में एक और आदमी की मौत हो चुकी है कोविड-19 की वजह से, और उन्होंने ये बताया कि आज टोटल ओमान में 50 नए केस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और इन 50 नए केसेस में मैं आपको बताता चलूं कि 26 लोग यहाँ के नेशनल हैं, ओमानी हैं, और 24 लोग जो हैं वो खारजी हैं, यानी दूसरे मुल्क से यहाँ पे आए हुए थे, रेजिडेंट थे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक जो आदमी आज फौत हुआ है उसकी उम्र 66 साल थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ये बताया है कि जुम्मे के दिन तक अब ओमान में टोटल जो कोविड-19 के मरीज़ हैं वो 1,070 हो गए हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के मुताबिक अभी तक जो सेहतयाब हुए हैं वो 176 लोग सेहतयाब हुए हैं, वो भी इन 1,070 लोगों में शामिल हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अब तक ओमान में कौन कौन से इलाके में कितने लोग मरीज़ हैं और क्या सूरत हाल है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।